जोमैटो, ये पता क्या है ये? मित्रा क्या है जोमैटो, क्या है क्या है ये? मेरी और जोमैटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है जोमैटो का। और जोमैटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, पुप, सुनो बर्गर खाओगी? और फिर तुम्हें लग रहा है भयान बर्गर बन रहा है? भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस, दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ, इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा मैं चाय ना, मेरा मूड, मेरा उस टाइम से ना चाय का मूड हो रहा था, मैंने भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त, इनके भाई ऐसे मैसेज आते मेरी फट जाती यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर, इनका अब एक यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थाया थी नहीं थाया, नहीं बताओ नहीं थाया, नहीं थाया, ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार, और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है ना, इतने ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है, है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले जाओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर, इतने प्यार से कौन, कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते, और मैं तो भाई इतना खाता था मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे, हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी, 3 खाएगा 4 खाएगा 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊ मैं, एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी, भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8-8 पराठे खा चुका हराम ज्यादा, तुम्हारे बस क्यों, तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे की धुआं में उड़ते दिखा, इतना गाना गाता था यार। जोमैटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप, पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी, और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है, हाँ 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड, ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे, मैं कहा भैया आए तो सही पहले, मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे, नहीं सच में भाई उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी, चल रहा है भाई कुछ भी यार। उसे मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था, मैंने ऑर्डर करा भाई, बहुत टेस्टी मशरूम था, अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मेरे को दोबारा खाएंगे, मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड, मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है, कह रहा भैया को कल मशरूम बच गया था आज पनीर बच गया, और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया, अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार, ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार, जोमैटो वोमैटो देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो, हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो, भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर, घर पर मिली कभी इतनी इज्जत, कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आया चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले, कभी नहीं भाई, मेरे को एज अ राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी, और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के, यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार,
अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी दुकान पे जा बेटा पैसे देकर सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगह भेजती थी ना खाना लाने के लिए, कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहाँ भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा मंदिर में लेकर गया, तो मोहल्ले का स्टंट निकलता तो ग्रिल क्रीम लगा करके एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू, आलू और डाल दो, बहुत लोग है घर पे, और डाल दो, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली, थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत का वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है, जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं होती, जो मम्मियाँ घर पे ऐसे लेटी पड़ी है बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे 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 आधी बोतल, अरे हो गया भैया घर पे कितने लोग हैं, मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है, Zomato पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन, वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना, ये बात फैली हमारे विकास प्रेमी हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहाँ विकासपुरी विस्पर होती है, विकासपुरी विस्पर फैले। और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के बात फैल फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची, और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो Zomato पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन मैं घर गया अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ, कह रही भिंडी बच के डाल दे Zomato। मैं क्या कह रहे हो, कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी घर का खाना बिक रहा है आजकल Zomato में, लोग किचन से बना बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनल ही हो गई, इमोशनल, कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है तुम वही रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये Zomato माटो नहीं तेरे को 8-8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को। कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा ये डाल दो Zomato। मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को Zomato से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन Zomato में डाल दो क्या। मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार Zomato जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज़ कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से, नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना, वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। देखा आपने, मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहाँ दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाएं मोमो विद चटनी चिल्ली यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा भाई, मैं सोच रहा Zomato के जरिए अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं, क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़े टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले हैं। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क ओवर लाजवंती इज मिल्क। नहीं मैं सोच रहा हूँ Zomato पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके, Zomato आप लोग ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ, क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के, आ जाओ शो पे दो ठाके लगाने। वैसे आपको पता नहीं है पर Zomato का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है, एक चीज बेसिकली आप लखनऊ के टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो, क्या बात है। हाँ सच में मेरे, बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे हैं टुंडे लेके आएंगे, अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है Zomato से।